रीवा में शहीद की पत्नी रेखा पति के सपनों को पूरा करने के लिए बनी लेफ्टिनेंट। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शहीद की पत्नी के जज्बे को सलाम। सेना में बनी लेफ्टिनेंट विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत से काम लेकर और कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण से हर स्थिति का सामना करते हुए रेखा ने अप्रतिम उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पति दीपक सिंह के उन्हें अधिकारी बनाने के सपने को पूरा किया। रेखा सिंह सही मायने में रीवा जिले के ही नहीं पूरे देश की लाडली हैं। विंध की भूमि वीरों और शहीदों की भूमि है। यहाँ की माटी में जन्म लेने वाले कई वीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। इन्हीं में शामिल है रीवा जिले के ग्राम फरेदा के लांस नायक स्वर्गीय दीपक सिंह, जिन्होंने भारतीय सेना के जांबाज सैनिक के रूप में 15 जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए हमले को जोरदार मुकाबला करते हुए दीपक सिंह मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। शहीद दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेखा सिंह को मध्य प्रदेश शासन की ओर से शिक्षा कर्मी वर्ग 2 पद पर नियुक्ति दी गई, लेकिन उनके मन में सेना में जाने की इच्छा लगातार बलवती होती रही। रेखा सिंह को जिला प्रशासन तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने सेना में चयन के संबंधों में उचित मार्गदर्शन और संवेदनशीलता में सहयोग दिया। रेखा सिंह ने बताया कि मैंने नोएडा जाकर सेना में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारियों का प्रशिक्षण लिया। रीवा में मैंने फिजिकल ट्रेनिंग ली। अपने प्रथम प्रयास में मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में मेरा चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ, जिसका प्रशिक्षण 28 मई से चेन्नई में शुरू होगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर एक साल में मैं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपनी सेवाएं दूंगी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने गलवान घाटी में 2020 में शहीद हुए वीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित स्वर्गीय दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह के भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। रीवा से हमारे रिपोर्टर आनंद शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। मेरा नाम रेखा सिंह है। मैं शहीद दीपक सिंह वीर चक्र की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड गलवान वैली में 15 जून 2020 में शहीद हुए थे, और उनके शहीद होने के बाद मुझे गवर्नमेंट के साइड से टीचर की ग्रेड 2 में जॉब मिली थी। और बट मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने हस्बैंड के जैसे ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब फॉर्म फिल किया तो मैं स्क्रीन आउट हो गई थी। देन मैंने फिर से फॉर्म फिल किया और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ये 4 फरवरी 2022 में वहाँ से मैं 34 SSB इलाहाबाद से रेकमेंड हुई थी। और उसके लिए मैंने यहाँ से MRS कोचिंग ग्रेटर नोएडा से मैंने कोचिंग ली। 21 डेज का मेरा कोर्स था। उसके बाद फिर वहाँ से रेकमेंड होने के बाद मैंने यहाँ पे फिजिकल कोचिंग अपनी स्टार्ट की, और यहाँ आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी है, वहाँ से मैं अभी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हूँ रमेश तिवारी सर के गाइडेंस में। और अभी 20 मई को मेरा वहाँ पे OTA चेन्नई में रिपोर्टिंग है, और उसके बाद फिर मुझे वहाँ 11 मंथ की लेफ्टिनेंट पोस्ट, मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है वो लेफ्टिनेंट के लिए होगी आफ्टर 1 ईयर, जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी मेरा वर्क था और जो भी गवर्नमेंट के साइड से हेल्प थी, तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की मैम और जो कलेक्टर सर थे, उन सब ने मेरी बहुत हेल्प की, और विद इन 1 ईयर मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। कुछ काम अभी पेंडिंग है, वो भी आई होप जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं जो भी सपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट के साइड से और गवर्नमेंट के साइड से, उसके लिए मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं अपने हस्बैंड्स के फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहती थी, और मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि मैं टीचर, एक्चुअली मेरा हमेशा मैं टीचर बनने का ही बोलती थी, तो वो चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनका जो ड्रीम है वो मैं कंप्लीट करूँ। और अदर लेडीज़ जैसे हमारे एरिया में यदि कोई न्यूली मैरिड लड़की के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो सोसाइटी में बहुत सारी बातें होती हैं, और उसकी वजह से जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत डीमोटिवेटेड हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा उनको मतलब आगे अपना फ्यूचर जो है वो उसके लिए वो सोच नहीं पाती हैं। तो मैंने मतलब यदि मैं ऐसा कुछ करूँगी तो अदर जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, सबको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मेरा बस यही एक एम था कि अपने हस्बैंड्स के फुट स्टेप्स फॉलो करूं, और जो भी सोसाइटी में मेरे बारे में जो भी लोग बातें करते थे तो मैं उनके जो माउथ है उसको शट करवा सकूं, बस मेरा यही एम था। मैं यही बोलूंगी कि जो भी उनका खुद का अपनी लाइफ के बारे में जो भी डिसीजन है वो खुद लें,
कभी ऐसा ना हो कि वो अपना डिसीजन दूसरों को ना लेने दें, और चाहे उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको मीन्स स्ट्रांग बने और अपना हर एक मीन्स फ्यूचर में जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ कर अपना डिसीजन लें और किसी और को अपना डिसीजन ना लेने दें और स्ट्रांग बने, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम आती हैं तो उससे हमें डरना नहीं है, उसका सामना करना है। और यदि हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, और हम पॉजिटिव रहेंगे तो स्ट्रेंथ हमारे अंदर रहेगी और हम कोई भी जो प्रॉब्लम है उसे फेस कर सकते हैं। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर, 16वीं बटालियन, द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायक दीपक सिंह बटालियन में नर्सिंग सहायक की ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में भिड़ंत के दौरान हताहतों को उपचार उपलब्ध कराया। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत शुरू हुई और हताहतों की संख्या बढ़ी, वो अपने घायल सैनिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हुए आगे बढ़ने लगे। भिड़ंत में आगे हो रहे पथराव के चलते उनको गंभीर चोटें आई, लेकिन इसके बाद भी वो अडिग रहे और निरंतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते रहे। दुश्मनों की संख्या भारतीय सैन्य टुकड़ी से ज्यादा हो गई थी। गंभीर जख्मों के बावजूद उन्होंने घायल सैनिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना जारी रखा और कई सैनिकों की जान बचाई। अंत में वो अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। उपचार उपलब्ध कराने और 30 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनकी पेशेवर कुशाग्र बुद्धि तथा निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नायक दीपक सिंह ने प्रतिकूल हालात में अतुलनीय दक्षता, अदम्य समर्पण का प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक दीपक सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा सिंह।